बाय चांस ही ना मीटर को देखे जा रहा था कि यार पैसे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और अभी इतने किलोमीटर रहते इतने किलोमीटर रहते। और जो आधे से ज्यादा चिकन जो है ना मैंने छोड़ दिया है, उसकी रीजन ये है कि यार ये बड़ा ही पैथेटिक सा चिकन है और ये बहुत ही फजूल है। तो अगर कोई मेरी वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान अज़र एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मेरा अंतालिया में लास्ट डे है और तुर्की में भी लास्ट डे है। तो अभी सुबह सुबह 6:15 का टाइम हुआ है, 9:30 मेरी फ्लाइट है। तो होटल से मैंने चेकआउट कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ बस स्टेशन की तरफ। यहाँ से बस पकड़ूंगा, अराउंड 1 आवर लगेगा मुझे एक बस चेंज करके, फिर दूसरी बस से जाना है। अराउंड 1 आवर में ना मैं होटल एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ कि टाइम पे मैं पहुँच जाऊँगा। बाकी यहाँ पे जो स्टे है और जो इन्जॉय है वो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, दोनों होटल बड़े अच्छे थे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, आज बिना मौसम भी अच्छा है, वरना जैसे ही धूप निकल आएगी ना, और सॉरी सूरज निकल आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, धूप नहीं हो जाएगी। एक बस से दूसरे स्टॉप पे आ चुका हूँ, अब दूसरे स्टॉप पे ना सेकंड वाली बस का इंतज़ार कर रहा हूँ जो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में आने वाली है। अभी सुबह सुबह का ना बड़ा अच्छा मौसम व्यू चल रहा है, ये देखें रेड लाइन चल रही है कितनी प्यारी लग रही है, और सड़कें भी ना अभी खाली हैं, तो इतना ज़्यादा फैस रश नहीं है, फुल सुकून है, इस वजह से ना मैं जल्दी पहुँच गया। अच्छा, नेक्स्ट है बस जो थी ना वो 600 है, उसने आना था कोई 10 मिनट पहले लेकिन अभी तक नहीं आई। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं टैक्सी करवा लूँ। तो टैक्सी के लिए ना मुझे एक आंटी थी, मैं हाथ दे रहा था टैक्सी को, तो उसने कहा ऐसे टैक्सी नहीं रुकेगी। मैंने कहा ये बटन लगा हुआ है, इस बटन को प्रेस करो तो फिर टैक्सी रुकेगी। तो मैंने खैर प्रेस कर दिया, आप देखो टैक्सी आती है कि नहीं आती। A few moments later, कि मैं जो टैक्सी चलती है ना वो पर किलोमीटर के हिसाब से ना आपको चार्ज करती है, और यहाँ पे जो ऑन एवरेज पर किलोमीटर प्राइस है ना वो 25 लीरा पर किलोमीटर है। तो खैर यहाँ पे ना मीटर लगा होता है, तो जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो मीटर ड्राइवर जो है ना स्टार्ट कर देता है। तो मैं बाय चांस ही ना मीटर को देखी जा रहा था कि यार पैसे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और अभी इतने किलोमीटर रहते इतने किलोमीटर रहते। और जो ड्राइवर था ना वो अपनी राग में ना मस्त हुआ था, उसने तुर्किश गाने लगाए हुए थे और इंजॉय करके जा रहा था क्योंकि उसके तो पैसे बन रहे थे। A few moments later, सुबह सुबह 565 लीरा का टिकट लग गया, मतलब ये कि टैक्सी से ना 550 लीरा लगा। वैसे अगर मैं टैक्सी से आता तो सिर्फ 40 सीधा लगना था, लेकिन ये कि टैक्सी जो थी ना मैंने कोई आधा पौना घंटा इंतज़ार किया और टैक्सी नहीं आई। तो मेरी 9:30 फ्लाइट थी, तो मैंने कहा यार अभी 7:30 हुए हैं, तो मैंने कहा यार टैक्सी से चलता हूँ, ऐमी चांस लेने का क्या फ़ायदा। तो बेहतर है कि टाइम से एयरपोर्ट पहुँचूँ, अगर मैं बस से आता तो मैं 8:30 बजे पहुँचता, वो भी चांस पे था। तो बेहतर है कि भाई पैसे खर्च और टाइम पे एयरपोर्ट पहुँच जाओ, चांस ही लेना। यहाँ पे ना मैं अपना लगेज चेक इन करने लगा हूँ ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू। मैंने बोर्डिंग पास सेलेक्ट किया, बोर्डिंग पास जो है मेरे मोबाइल में है, मोबाइल से करता हूँ। तो इसने मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल दी है, अब वो कह रहा है कि ये बैग जो है ना इसके ऊपर रखो वेट के ऊपर, कि वो वेट करेगा कितना। वेट मैंने रख सामान रख दिया और ड्रॉप ऑफ बैगेज करना है मैंने, और फ्लाइट अभी तक ओपन नहीं हुई बैगेज ड्रॉप के लिए, शेट सामान के साथ घूमना पड़ेगा। जब मैं इस्तांबुल से आया था तो उन्होंने 3-4 घंटे पहले ही ना ओपन कर दिया था, लेकिन अभी जो है आज अभी 2 घंटे रहते हैं फ्लाइट में, 2-2.5 घंटे, और अभी तक इन्होंने ना ओपन नहीं किया। सो वेट करते हैं, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। A few hours later. अराउंड 12:45 बजे मैं इस्तांबुल वापस पहुंच चुका हूं। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 2 बज रहे हैं। इस्तांबुल से अंतालिया जाते हुए ना मेरा कैमरा गुम हो गया था। तो पिछले 2 आवर्स है ना मैं कभी एक स्टेशन से, एक पुलिस सिक्योरिटी ऑफिस से, कभी लॉस्ट एंड कंट्रोल से, और इस तरह डिफरेंट पुलिस के ऑफिस से घूमता फिरता ना, फाइनली मैं अभी पुलिस स्टेशन गया हुआ था, तुर्किश पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे मैं अपने कैमरा की ना रिपोर्ट फाइल करके आया हूँ। तब रिपोर्ट फाइल करने से ये होगा कि उन्होंने मेरे से सारी डिटेल पूछी है, कब मैं एयरपोर्ट आया था, कब मैं मतलब जिस दिन कैमरा मेरा लॉस गुम गया था, मैंने उनको सारी डिटेल बताई है। तो वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी कैमरा चेक करेंगे, अगर उनको नज़र आएगा कि किसी ने कैमरा उठाया
तो उनके मुताबिक उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह वो रिकवर कर ही लेंगे, लेकिन अगर उन्हें कोई सुराग मिलता है तो। ये भी एक जो है लंबा प्रोसेस है, इसमें पता नहीं आज मैंने उसे पूछा भी था कि यार कोई टाइम फ्रेम है इसका, तो उसने कहा यार इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो मैंने उसे बताया भी कि यार आज मेरी 9:30 बजे ना फ्लाइट भी है, तो उसने कहा यार हम आपको ईमेल या फ़ोन कर देंगे, अगर मिल गया तो आपको बता देंगे। फिर उसने कहा कि अगर मिल जाएगा तो फिर आप तक हम कैसे पहुँचाएंगे। तो मैंने उसे बता दिया कि मेरा एक दोस्त है, उसका आगे से दोस्त जो है ना तालिया में आता है, या अगर आप पाए पॉज कर सको तो मैं पॉज के थ्रू रिसीव कर लूँगा। तो खैर अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता क्या सीन है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि एक कंप्लेन मैंने फाइल कर दी ऑफिशियली, तो अब वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद ही क्या होगा। तो अभी अराउंड ना मेरे पास कुछ 6 से 7 घंटे हैं नेक्स्ट फ्लाइट के, और नेक्स्ट फ्लाइट में जहाँ जा रहा हूँ, नेक्स्ट फ्लाइट में जा रहा हूँ पाकिस्तान ही जा रहा, अभी मैं जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोबारा उमरे के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मेरी यहाँ से फ़्लाइट जो है इस्तांबुल से वो जद्दा की फ़्लाइट है, तो वहाँ पे भी 5-6 दिन गुजार के ना फिर संडे को मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा। तो अभी देखते हैं 5-6 घंटे कैसे स्पेंड करने हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि जाके बैठूँ और मैं जाके ना वीडियो एडिटिंग कर लूँ, जो मेरे पास 1-2 वीडियोज़ पड़ी हैं, डेटा पड़ा है, क्योंकि मेनली ये हुआ है कैमरा तो गया ही है, उसके साथ ना मैंने 3 दिन का डाटा बैकअप भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो मेरी लेजीनेस है, तो मैं ऐसे ही लेजी हो गया था, तो मैंने डाटा भी ना बैकअप नहीं किया, जिसकी वजह से अब मुझे अफसोस हो रहा है। लेकिन खैर अभी क्या हो सकता है, अभी जो वीडियोस का डाटा मेरे पास है उसको जाके एडिट करते हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे कि कैमरा तो मेरा चला गया तो मैं वीडियोस कैसे बना रहा हूँ, तो जैसे पहले मैं अपने आईफोन से वीडियोस बनाता था, तो अभी वापस मैं अपने आईफोन के ऊपर आ गया हूँ। तो मैं क्योंकि मैंने कहा यार ठीक है कैमरा तो चला गया, लेकिन जो ये मोमेंट्स है और ये जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इसको वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, तो अभी मैं वापस मोबाइल पे आ चुका हूँ और अपने आईफोन जो है उसके थ्रू दोबारा से ना मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी है, और इस दफ़ा ना मैं बैकअप साथ साथ ले रहा हूँ। ये डोमेस्टिक लॉन्च के बाद सबारू देख के ना, ये फोर्ड कॉर्नर देख के ना मुझे फिर ना अपना गोप्रो याद आ गया, मैंने लास्ट या सेकेंड लास्ट से एक पहले वीडियो जो थी ना यहीं पर बनाई थी। अच्छा पोपाई कार्टून तो बड़े देखे थे आज, पोपाई से ना फ्राइड चिकन भी खाते हैं और चीज़ भी खाते हैं और बोतल भी पीते हैं, तो आज पोपाई का लंच खाएंगे हम, लंच पोपाई। तो मैंने खाने की कोशिश की है, तो आधे से ज़्यादा चिकन जो है ना मैंने छोड़ दिया है, उसकी रीज़न ये है कि यार ये बड़ा ही पथेटिक सा चिकन है और ये बहुत ही फजूल है, तो अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और यहाँ से आके खाने का इरादा रखता है तो मेरा मशवरा है कि भाई चुप करके खाली फ्राइज ले लेना, बस फ्राइज ही अच्छी हैं, यहाँ ड्रिंक ले लेना, चिकन लेने की गलती मत करना मेरी तरह। तो यार इनके तो कोका कोला भी बहुत बकवास है, ऐसे जैसे कड़वी कड़वी बोतल नहीं होती उस तरह की, लगता है 2 नंबर कोका कोला इन्होंने रखी भी है। A few hours later. तुर्किश वालों ने भाई अपने सिटीजन को ना अक्सर जगहों पे ना ऐसे प्रायोरिटी दी हुई है, यहाँ पे अदर सिटीजन और यहाँ पे तुर्की सिटीजन, अक्सर जगहों पे मैंने ना वोट देखे हैं, वो अपने सिटीजन को ना प्रायोरिटी देते हैं और बाकी नेशनल को साइड पे रख के चलाते हैं। तो ऑफिशियली तुर्की ट्रिप जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एग्जिट टाइम लग चुकी है, मैं सिर्फ एयरपोर्ट, अब मैं सिर्फ प्लेन में जा सकता हूँ, वापस नहीं जा सकता। The next day. मैं होटल वापस जा रहा था तो रास्ते में मुझे ना इस कौरमे की ना खुशबू ने खींच लिया, और मैंने कहा चलो फजर सुबह नाश्ते का टाइम है तो अभी कौरमे का नाश्ता करते हैं और उसके बाद ना मज़ेदार सी चाय पीते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने अच्छी कोई चाय नहीं पी। इस टाइम मक्का में ना 9:30 हो रहे हैं और मैं होटल में पहुँचा था सुबह अराउंड 4:15 के अराउंड, यानी कि ऑलमोस्ट 22 घंटे का सफ़र करने के बाद ना मैं होटल में पहुँच गया था। तो खैर अभी क्या सीन है, सीन ये है कि अभी ये कि 29 घंटे से ज़्यादा हो गए मुझे जागते हुए, तो अभी ये कि चुप करके मैं सुकून से सोता हूँ। होटल में कैसे आया वो भी एक हैवी सी स्टोरी है, तो वो स्टोरी जो है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगी। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ, वीडियो की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।